आप सभी यहाँ उपस्थित मऊ जनपद के और विशेष रूप से हमारे परिवार के सभी वरिष्ठगण, हमारे चाचा जी, पिताजी के उम्र के हमारे यहाँ चाचा जी लोग बैठे हुए हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ तामसा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान महादेव और यहाँ महाबली हनुमान जी भी विराजमान है मूर्ति में, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उन सब के आशीर्वाद से, आप सबके मऊ जनता के, मऊ जनपद की जनता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से आज ये पुण्य कार्य हमारे हाथ से होना शायद निर्धारित हुआ था, महादेव की इच्छा थी इसलिए हुआ है। बाकी ये सब काम होते हैं महादेव की स्वयं की इच्छा से, कोई करता नहीं है, वही करते हैं। अभी का जो प्रयोजन था वो ये था, पिछले साल हमने थोड़ा प्रयास किया था तो मंदिर के नीचे आपने देखा होगा कि थोड़ा पक्का सीढ़ियां बनी है, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मेरा विचार तभी से था कि यहाँ से लेकर के रेलवे की जो हद है, रेलवे पुल के थोड़ा इधर रह जाएगा क्योंकि उधर आगे रेलवे की बाउंड्री आ जाती है, तो वहां तक इस तरह का एक उससे भी जो बना हुआ दिख रहा है आपको, उससे भी सुंदर घाट का निर्माण हो जाए, रिवर फ्रंट का निर्माण हो जाए, जिसपे लोगों के आने जाने की, नहाने स्नान करने वालों वहां खड़े होकर के बदल सके, कपड़े बदल सके, उनके लिए कमरे बन जाए, थोड़ा आने वाले घूमने घामने वालों के लिए चाय कॉफी की दुकान की भी वहां व्यवस्था हो जाए, ये सारी बातें हमारे दिमाग में थी। लेकिन संसाधन जुटाने में थोड़ा समय लगता है, करोड़ों रुपए का ये पूरा काम है। साथ ही जब हम ये काम सोचने लगे और दो चार लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ मंदिर के व्यवस्थापक में जो चौहान जी हैं, अब कहाँ गए मंदिर के व्यवस्थापक लोग, मुकेश जी कहाँ गए, आइए आइए आप लोग भी आइए। तो इन लोगों के संपर्क में कुछ संस्थाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक संस्थाएं हमने जो भेजी थी, इन लोगों से बातचीत में कुछ मंदिर के अंदर की भी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की बात इनको, इन लोगों के मन में आई थी, तो उसका भी उन संस्थाओं ने बीड़ा उठा लिया कि ठीक है आप लोग जो कहेंगे हम लोग कर देंगे, उसमें कहीं संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और अन्य भी कुछ बड़ी संस्थाएं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बाद में उनका वो होता है, मना किया गया है हम लोग संस्थाओं की ओर से, ठीक है ना। तो आज ये काम इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है अभी तक का, हो सकता है बढ़ भी जाए। पहले फेज में, पहले चरण में इस तरफ का, और हमें बहुत बहुत ज्यादा आशावादी हैं लोग। मैं खाली भगवान के चरणों में मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने कहा है, आवाज खींच करके मुझे जबरदस्ती इसीलिए लाए भी कि छठ जो है ये लोग चाहते हैं कि नए घाट पे हो, और छठ तो बहुत ही नजदीक है। मैं स्वयं भगवान महादेव से उन्हीं की कृपा की विनती करता हूँ, उनकी कृपा होगी तभी ये काम हो पाएगा। छठ तक देखते हैं कितना हो पाता है, बाकी इस पूरे लंबाई में एक सुंदर रमणीय घाट का, रिवर फ्रंट का निर्माण होना है, और उसी तरह का सामने के घाट पे, सामने की तरफ भी निर्माण होना है जहां तक रेलवे की बाउंड्री आती है। पहले फेज में, पहले चरण में इन दोनों घाटों का काम रखा गया है, उसके बाद देखा जाएगा तो पुल के उस पार, और जैसे जैसे सुविधा होगी, आप लोगों का जैसा जैसा आशीर्वाद और इच्छा होगी तो उस तरफ भी ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर के मेरी इच्छा है कि ये जो तमसा का पूरा जो तट है उसको एक पानी का एक सुंदर स्रोत की तरह दिखाते हुए एक सुंदर स्थान बने, पर्यटन का स्थान बने, और सिर्फ मऊ वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक एक नमूनेदार एक जगह बने, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान महादेव की कृपा होगी, आज नवरात्रि के दिन है, माँ दुर्गा की, माँ कुष्मांडा की के भक्ति का भी दिन है, उन दोनों की कृपा होगी तो अवश्य हम अपने मनोरथ में सफल होंगे। आप सब इतनी कम समय में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, हमको सबको आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।